सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा साइलस मानर की 21st चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। साइलस मानर, ये नॉवेल लिखी है जॉर्ज इलियट ने। दोस्तों मैं पहले भी चैप्टर 1-20 की समरीज का वीडियो बना चुका हूँ, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैप्टर 20 में हमने पढ़ा था कि गॉडफ्रे और नैन्सी साइलस के घर से अपने घर रेड हाउस पर आ जाते हैं, और गॉडफ्रे को इस बात का दुख होता है कि उसकी बेटी ईपी अभी तक उससे नाराज थी। तभी नैन्सी उसके पास आती है और वह कहती है कि जो सब हुआ वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ था और आपको इन सबको भूल कर आगे बढ़ना होगा। और फिर वो दोनों ईपी को एडॉप्ट करने का ख्याल भी छोड़ देते हैं। ये चैप्टर चालू होता है साइलस मार्नर से। साइलस को अब अपने गोल्ड कॉइन्स भी मिल गए थे, और वो ये भी जानना चाहता था कि सालों पहले उस पर जो आरोप लगाया गया था क्या वो अब गलत प्रूव हुआ है या नहीं। फिर ईपी और साइलस लैंटन यार्ड की तरफ जाते हैं। उन्हें रास्ते में फैमिलियर चीज़ें दिखती है। फिर वो एक फैक्ट्री के सामने पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री से कुछ आदमी और औरत अपनी मिड डे मील्स लेकर आ रहे थे। फिर उन्हें पता पड़ता है कि अब लैंटन यार्ड नाम की कोई जगह नहीं रही है, और जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था उनका भी अब कोई नामो निशान नहीं था। जब साइलस और ईपी वहाँ से आते हैं तो साइलस अपनी पड़ोसी डॉली विंथ्रॉप के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, और वो उसे बताता है कि अब उसे कभी भी नहीं पता चलेगा कि उस पर जो आरोप लगाए थे वो गलत साबित हुए हैं या नहीं। मिसेस डॉली विंथ्रॉप भी एक सिंपल लेडी थी। वो आराम से साइलस की बातें सुन रही थी, और वो चाहती थी कि साइलस अपनी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। और साइलस भी कहता है कि अब उसका ह्यूमन रिलेशनशिप में वापस ट्रस्ट बरकरार रहेगा, क्योंकि अब ईपी उसके साथ हमेशा रहने वाली थी। थोड़े दिनों बाद ईपी की भी शादी होती है, और ईपी की शादी एरॉन विंथ्रॉप से होती है। ईपी अपनी वेडिंग में एक लाइट वाइट ड्रेस पहनती है, और उसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो एक परी की तरह लग रही थी। फिर वो चर्च यार्ड से विलेज की तरफ जाती है, जहाँ पर उसने एक हाथ अपने पति एरॉन विंथ्रॉप का पकड़ा हुआ था और एक हाथ साइलस मार्नर का पकड़ा हुआ था। ईपी की वेडिंग रखी गई थी रेनबो इन में, और शादी का पूरा खर्चा मिस्टर गॉडफ्रे कैस ने उठाया था, और जो गाउन शादी के दिन ईपी ने पहनी थी वो भी गॉडफ्रे कैस ने ही उसे दी थी। मिस्टर मैके, जो कि गांव के बुजुर्ग हैं, वो एक टेलर थे, और वो भी वहीं पर बैठे हुए होते हैं, और वो बहुत खुश होते हैं कि उनकी भविष्यवाणी सही हुई और साइलस को उसके पैसे मिल गए, और जो सब भी उसकी ज़िंदगी में हो रहा था उससे मिस्टर मैके बहुत खुश थे। ईपी के पास अब एक बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और उस गार्डन के एक्सपेंसेस अभी भी गॉडफ्रे कैसे उठाता है, और साइलस भी अपने कॉटेज में खुशी खुशी रहता है। तो दोस्तों इस नॉवेल में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नॉवेल पसंद आई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर आता रहता है। तो क्वेश्चन है, व्हाट रोल डस ईपी प्ले इन द लाइफ ऑफ साइलस। मतलब ईपी ने साइलस की लाइफ में क्या रोल प्ले किया। तो ईपी के आने से पहले साइलस की ज़िंदगी एकदम डल चल रही थी, लेकिन जैसे ईपी उसकी ज़िंदगी में आती है तो वो सारी डलनेस को दूर कर देती है, और वो साइलस का ह्यूमन रिलेशनशिप में ट्रस्ट भी वापस रीस्टोर कर देती है, और साइलस की ज़िंदगी में ब्राइटनेस ले आती है। ईपी कम्स एज अ ब्लेसिंग इन द लाइफ ऑफ साइलस मानर। शी वंस अगेन रीस्टोर्स हिज ट्रस्ट इन ह्यूमन रिलेशनशिप। शी फिल्स हिम विद लाइफ, लव एंड जॉय। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने आपके लिए लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये लास्ट वीडियो था साइलस मार्नर सीरीज़ का, और मैंने कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पिनअप कर रखा है, जिसका आंसर आपको #ANS लिखकर अगली लाइन से चालू करना है। दोस्तों आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।